दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, फिर मेरे दोस्त, भाई बहन और बड़े लोग, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या दोस्त लोग जो भी हो, सबको नमस्ते सलाम। आज के वीडियो का टॉपिक मेरे लॉकडाउन के बाद के प्लान्स का है। बेसिकली मैंने सोचा है कि लॉकडाउन के बाद है ना, मैं चाइना जाऊँ, क्योंकि चाइना में ना लोग इतने ज़्यादा खुदगर्ज है ना कि लोग किसी को भी खाते हैं, कोई भी आंडू पांडू चीज़ों को खा लेते हैं। अब आंडू पांडू चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि मतलब कुत्ता हो गया, कीड़े मकोड़े, सांप, ये वो एंड वॉट नॉट, सब कुछ। अभी मतलब किसी को तो छोड़ दिया करो, सबको ही खाना है क्या? ऐसा तो नहीं चलता भाई। और तुम लोग के चलते है ना एक मीम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जो और फिर क्या ही बोलूँ भाई, मतलब तुम लोग है ना वेजिटेबल्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स में कितनी सारी वैरायटी है भाई, कुछ भी खा सकते हो ना। ज़रूरी है कि आप कुछ भी खाओ करके, मतलब आ जाके कुत्ता खाना है, चमगादड़ के टट्टे खाने हैं, ये क्या होता है भाई, मतलब कुछ भी। तो है ना, मैंने सोचा है कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं पहली चीज़ करूँगा कि है ना चाइना के लिए फ़्लाइट बुक करूँगा और चाइना में जाके लोगों को बोलूँगा कि है ना भाई वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल नहीं खाना है तो कुछ और खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ। पर पहले ही मना कर दूंगा कि है ना ऐसी चीज़ें मत खाना कि है ना चमगादड़ हो गया या कुत्ते हो गया, मतलब किसी को भी खाना पॉइंटलेस है भाई। मतलब मज़े के लिए आप किसी को भी खाओगे, अच्छी बात तो नहीं है। सही है कि तो जनता भी एग्री करती है, बंटी तो चूती है। सब लोग एग्री करते हैं बात के लिए। और रही बात दूसरी चीज़ों की, और जो लोग नहीं माने तो उनको बस एक ही बात कहूंगा जो हमारे हिंदुस्तानी भाव कहते हैं, स्वाइप करना। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। आते हैं लॉकडाउन के प्लान्स का, तो इतना ही था, उसके बाद का प्लान क्या हो सकता है करके। बट लोग ना भाई, मतलब चाइना वाले थोड़ा किधर है, किधर है, कुछ तो रहना चाहिए ना, कुछ भी खाओगे तो चलता नहीं भाई, है कि नहीं। चलो फिर आज के लिए इतना ही था, बस इतना मेरे को बताना था और कुछ नहीं था, बस इतनी सारी चीज़ें थी। चलो देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। या कैसे बोल सकता हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो और लोगों को भी बताओ, और लोग ज़्यादा लोगों में शेयर करो ऐसी चीज़ें, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि है ना आंडू पांडू चीज़ें खाने से है ना ऐसी बीमारी आती है, जैसे कि कोविड जो अभी चल रहा है। ठीक है ना, चलो बाय।